ऐसा कहा जाता है कि इंसानियत के लिए कीजिए रक्तदान, बड़ों के लिए कीजिए सेवादान, समाज के लिए कीजिए योगदान और बच्चों के लिए कीजिए विद्यादान। ऐसा ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण आज रोटरी क्लब नीमच के द्वारा प्रस्तुत किया गया शासकीय माध्यमिक विद्यालय विसलवास कला में बच्चों के लिए टेबल और बेंच के 15 सेट रोटरी क्लब नीमच द्वारा श्री सोहन लाल जी धानुका फाउंडेशन नीमच के सौजन्य से प्रदान किए गए। शिक्षा के इस महायज्ञ में यह एक बहुत महत्वपूर्ण आहुति होगी। रोटरी क्लब नीमच यह नाम प्रतिष्ठित और चिर परिचित है और ऐसा कहने में बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो भी नीमच में अफीम की मोहक गंध से परिचित है वह रोटरी क्लब नीमच से भी परिचित है। कार्यक्रम में पधारे रोटरी क्लब नीमच के अध्यक्ष श्री विमल जी जैन साहब, सचिव श्री युजवेंद्र जी भाटिया साहब और प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम जी गुप्ता साहब एवं अन्य साथियों का शाला परिवार स्वागत करता है। माँ सरस्वती का दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। उसके बाद ग्राम के सरपंच महोदय द्वारा अध्यक्ष श्री विमल जी जैन साहब का पुष्पहार से स्वागत किया गया। तत्पश्चात सचिव श्री युजवेंद्र सिंह जी भाटिया साहब का पुष्पहार से स्वागत किया गया और इसके बाद प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम जी गुप्ता साहब जो कि इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य सूत्रधार रहे उनका स्वागत किया गया। स्वागत के पश्चात शाला के प्रधानाध्यापक श्रीमती लालू जेरिया द्वारा आभार पत्र प्रेषित किया गया। कार्यक्रम की अगली कड़ी में अध्यक्ष श्री विमल जी जैन साहब द्वारा बच्चों को उद्बोधन और आशीर्वचन दिया गया और इसके बाद प्रोजेक्ट चेयरमैन श्री पुरुषोत्तम जी गुप्ता साहब द्वारा इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा बताई गई कि किस तरह से उनके द्वारा शाला का सर्वे किया गया और जब उन्हें ये जानकारी लगी कि इस शाला को फर्नीचर की बहुत अधिक आवश्यकता है तो जब सर्वे हुआ उसके अगले ही दिन शाला को फर्नीचर उपलब्ध हुआ। और कार्यक्रम के अंत में शाला में क्रियाशील बाल कैबिनेट के सभी मंत्रियों और प्रधानमंत्री द्वारा भी रोटरी क्लब नीमच की पूरी टीम का स्वागत किया गया और आभार भी माना गया।